के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। चोरी की दो बाइक के साथ 3 शातिर अभियुक्त चढ़े तिवारी पूर्व पुलिस के हत्थे। सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने किया खुलासा। बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस चला रही है कवच अभियान। एसएसपी ने कहा बालिकाओं को सिखाया जा रहा है आत्मरक्षा का गुर, बताया जा रहा है कानूनी अधिकार। गैंगस्टर के आरोपी व 25,000 के इनामी बदमाश को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। एएसपी व सीओ कैंट ने कहा काफी दिनों से चल रहा था फरार, इसके ऊपर दर्ज है कई आपराधिक मुकदमे। एसएसपी की अध्यक्षता में संपन्न हुई शहर क्षेत्र के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों, थाना प्रभारियों तथा चौकी प्रभारियों की बैठक। अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने के दिए निर्देश। कहा थाने पर आए फरियादियों से करें सौम्य व्यवहार। बड़लगंज थाना के बेली निवासी खुशबू पांडे ने लगाई न्याय की गुहार। कहा 15 जुलाई से नहीं है मेरे पति का कोई अता पता, पुलिस नहीं कर रही है मदद। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी स्वर्गीय सैयद मोदी की 31वीं पुण्यतिथि पर आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभा। टूर्नामेंट खेलकर बैडमिंटन खिलाड़ियों ने दी श्रद्धांजलि। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई संपन्न। संगठन के संबंध में की गई चर्चा। 6 माह से कम उम्र के नवजात बच्चों के आंखों की जांच के लिए निःशुल्क जांच शिविर का हुआ आयोजन। 30 नवजात शिशुओं के आंखों की हुई जांच। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने कहा सरकारी अस्पतालों के जनरल वार्ड में पैदा हुए बच्चों के इलाज में दिया जाएगा 75% की छूट। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया महानगर गोरखपुर द्वारा संपन्न हुआ स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम। नव नियुक्त जिलाध्यक्ष का फूल मालाओं के साथ किया गया जोरदार स्वागत। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला अभ्यास वर्ग कार्यक्रम का हुआ समापन। तैयार की गई 6 माह के कार्यक्रम की रूपरेखा। और कायस्थ सेना की मासिक बैठक हुई संपन्न। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को गरीबों तक पहुँचाने की गयी अपील।